देखिए फिनो पेमेंट बैंक में अभी पैसा छोड़ने टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए अभी ये नंबर से मैं पैसा छोड़ रहा हूँ। देखिए लिमिट है 6,000 रुपया, ऑलरेडी 6,000 लिमिट है। अभी मैं 5,000 छोड़ रहा हूँ। देखिए मेरा मेन बैलेंस 1,41,491 रुपया, मेरा मेन बैलेंस में पैसा है। अभी मैं 5,000 छोड़ने जाता हूँ। देखिए 5,000 छोड़ने टाइम पर क्या बता रहा है। देखिए देखिए फाउंड ट्रांसफर लिमिट एक्सीड फॉर दिस मंथ, इसमें बता रहा है कि ये महीना 25,000 छोड़ दिया गया है। अब ये महीना पैसा छोड़ नहीं सकता ऐसे बता रहा है, लेकिन लिमिट में 6,000 लिमिट दिखा रहा है। आप देखिए 6,000 लिमिट दिखा रहा है, ये देखिए 6,000 लिमिट दिखा रहा है, लिमिट है तब भी पैसा छोड़ने से पैसा नहीं जा रहा है। अब उसको देखिए मैं मिनी स्टेटमेंट दिखाएंगे, ये महीना कितना पैसा छोड़ रहा है, कितना लिमिट है। मिनी स्टेटमेंट में मोबाइल नंबर भी देख लीजिए, ये नंबर में लिमिट है 9907911435। ये मोबाइल नंबर से देखिए स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिमिट है दिखा रहा है। मैं स्टेटमेंट पूरा चेक किया, लिमिट है, मतलब 14,000 छोड़ा है ये महीना में। पूरा ये महीना में चेक किया, 14,000 छोड़ा हुआ है, 6,000 अभी ऑलरेडी लिमिट है। तभी फिनो से छोड़ रहा हूँ, फिनो तो आधार से नहीं दे रहा। अभी मैं स्पाइस मनी से छोड़ेगा, लेकिन पावर्ड बाय फिनो, स्पाइस मनी से 5,000 छोड़ रहा हूँ स्पाइस मनी से, लेकिन पावर्ड बाय फिनो है। देखिए पैसा चला गया, देखिए पावर्ड बाय फिनो लिखा ऊपर, देखिए पावर्ड बाय फिनो, ये सर्वर फिनो का सर्वर है, स्पाइस मनी से छोड़ा है, फिनो का सर्वर है, लेकिन चला गया, देखिए सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फिनो से छोड़ने से नहीं जा रहा है। अभी जो वीडियो देखा है ये बहुत सा मार्जिन के पास ऐसे ही सेम प्रॉब्लम हो रहा है। इतना साल से मैं फिनो में काम कर रहा हूँ, फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, इतना अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन फिनो में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ये अप्रैल महीना में ये प्रॉब्लम ज्यादा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ है, लिमिट दिखा रहा है 25,000। आपको कस्टमर मेरे पास आया 30,000 सोने के लिए, आज मैं आया, जब 30,000 सोने के लिए आया तो मैं क्या किया, सोचा कि फिनो से मैं 25,000 छोड़ देगा, 5,000 आपका दूसरा पोर्टल से छोड़ेगा। जब मैं उसको लॉगिंग वॉगिंग करने के बाद, उसका कस्टमर मोबाइल नंबर डालने के बाद ऑलरेडी सेफ था, आगे में छोड़ा हुआ था, पिछला महीना छोड़ा हुआ था। इस महीना जब छोड़ा तो उसमें दिखा रहा है लिमिट एक्सिस 25,000 का। उसके बाद मैं 20,000 डाला वही दिखाया, 5,000 भी डाला वही दिखाया, लिमिट एक्सिस दिखाया। मैं क्या किया, तुरंत स्पाइस मनी का पोर्टल खोला, स्पाइस मनी से डाला, फिर पावर बाय फिनो था डाला, तुरंत 25,000 चला गया। 25,000 डालने के बाद मैं सोचा पावर बाय फिनो है, स्पाइस मनी से चला गया और फिनो से क्यों नहीं किया, B2B है। तो मैं आपका हम लोग का टेक्निकल से बात किया, टेक्निकल बोलता है नहीं, एक मोबाइल नंबर से एक महीना में 25,000 रहता है। मैं बोला हाँ करेक्ट, लेकिन फिनो से एक बार ही पैसा छोड़ा नहीं, उनको स्टेटमेंट चेक किया अप्रैल महीना में 1 रुपया भी छोड़ा नहीं, कैसे नहीं जाएगा। तो वो बोला कि नहीं दूसरा पोर्टल से छोड़े। मैं बोला दूसरा पोर्टल से छोड़े ओके, मैं अभी दूसरा स्पाइस मनी से छोड़ने से पहले, जब छोड़ा पैसा उससे पहले मैं फिनो में ट्राई किया, फिनो में दिखा रहा है लिमिट एक्सिस है दिस महीना। मैं उनको स्टेटमेंट चेक किया तो आपका ये महीना में कुछ भी नहीं किया था, तुरंत मैं स्पाइस से छोड़ा 25,000 पावर्ड बाय फिनो, उससे चला गया। उसका जरूरत पड़ेगा तो उसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। 25,000 लिमिट है, लेकिन 25,000 आपका फिनो से नहीं जा रहा है, 25,000 स्पाइस से चला गया, लेकिन पावर्ड बाय फिनो, मतलब उसका सर्वे है फिनो का। अब उन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं एक महीना में 25,000 रुपया सिर्फ लिमिट है, वो क्या किया होगा दूसरा से छोड़ेंगे। नहीं ये बात झूठ है, उनका समझा रहा है नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाना पड़ा और 2-3 वीडियो जरूरत पड़ने से बनाएंगे, क्योंकि फिनो में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम है। मेरा ही ओनली नहीं, पूरा जो जो फिनो में काम कर रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और मेरा जितना रिटेलर है उसमें 10-15 रिटेलर का बिजनेस कम हो गया। क्यों, फिनो में अच्छा से बिजनेस हो रहा है, उसका कस्टमर जब आ रहा है तो उसको लिमिट एक्सिस दिखा रहा है। अभी कोई कस्टमर पैसा ही छोड़ा नहीं है तभी लिमिट एक्सिस दिखा रहा है, कोई कस्टमर 15,000 छोड़ा है और 10,000 का लिमिट है लेकिन उसमें लिमिट एक्सिस दिखा रहा है। अभी जो देखिए 14,000 छोड़ा था ये महीना, 6,000 लिमिट दिखा रहा है, 6,000 छोड़ने के टाइम पर, 5,000 भी छोड़ने के टाइम पर उसमें लिमिट एक्सिस दिखा रहा है। मैं प्रूफ आपको अभी दिखाया ना पहले वीडियो में, ऐसा फिर मैं प्रॉब्लम शुरू हुआ है। मैं बहुत कंप्लेन दिया, ये कंप्लेन अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए सॉल्व होने के लिए मैं वीडियो बनाया। ये वीडियो उन लोग का हाथ पड़ेगा, टेक्निकल का हाथ पड़ेगा, सबको मैं वीडियो भेजूंगा, तब उन लोग थोड़ा दिमाग लगाकर एक केस सॉल्व होगा। सॉल्व नहीं होगा ना फिनो का लॉस है, क्योंकि कोई भी रिटेलर बाकी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वे बिजनेस छोड़ेगा, दूसरा में जाएगा, दूसरा बिजनेस करेगा। इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ एक कंप्लेंट सॉल्व होने के लिए।